मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो भारत कहाँ रहे? सिख ईसाई जो धर्म है उनके हर चीज को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है, इसी को हम भारत कहते हैं। उसी पर ही भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते हैं और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो भारत कहाँ रहे? ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को, मैं कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता। मुस्लिम सिख ईसाई जो धर्म है उनके हर चीज को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है, इसी को हम भारत कहते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को उसी तरह से कायम रहना चाहिए। और जिस तरह से लगातार लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग की जा रही है, और कई स्टेट्स में आपने देखा होगा कि लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग की जा रही थी, और उसी के साथ साथ अब ये मामला जम्मू कश्मीर तक पहुँच चुका है। और जब सवाल पूछा गया गुलाम नबी आज़ाद जी से, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये सदियों पुराना भाईचारा है, इसी तरह से कायम रहना चाहिए और लाउडस्पीकर को बैन नहीं करना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं? तब तक के लिए आपने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ। धन्यवाद।